घर वालों को तो मौका मिल गया होगा बातें बनाने का। क्या करें बेटा, मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, बात करने वाले की जुबान को नहीं पकड़ सकते। जो बोलता है बोलता रहे, खुद ही चुप हो जाएगी। मुझमें तो हिम्मत नहीं है किसी को सफाइयां देने की। हमी हम कौन सा गलती पर हैं? हम क्यों लोगों से नजरें चुराएं? हमें साफ साफ हर बात बतानी चाहिए ना लोगों को। बेटा, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे, नुकसान तो खरबूजे का होता है ना। किस किस को सफाइयां देंगे बताओ? वैसे भी जिसका घर अभी नहीं बसा, उससे ज्यादा उसकी फिक्र है जिसका घर बसा हुआ है। खुदा ना खास्ता हमारे मुंह से कोई भी ऐसी वैसी बात निकल गई और सामिया के ससुराल तक पहुंच गई, तो उसकी सास उसके साथ पता नहीं क्या सलूक करेंगी। अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। फुरकान ने कोई राब्ता किया? कॉल आई थी पर मैंने बात नहीं की। अच्छा ही किया, दो चार दिन में इस मसले की धूल बैठ जाए फिर बात कर लेना। वैसे भी गुस्से में निकली हुई बात बहुत दूर तक जाती है। अम्मी, मुझे तो इस बात की फिक्र है कि कहीं अरसलान के अम्मा अब्बा मेरे दरवाजे पर आकर खड़े ना हो जाएं कि हमारे पैसे निकालें। अल्लाह बड़ा मुसब्बिब अल-असबाब है, कोई ना कोई वसीला बना देगा इंशाल्लाह।